अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इससे पहले कि मैं व्लॉग शुरू करूं, अभी तक पहले मेरी बात सुन लें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आज का दिन भी मेरे लिए तो बहुत बुरा, इसलिए मैं किसी का हालचाल नहीं पूछूंगी। इन लोगों ने यार सुबह सुबह मुझे नाश्ते का खर्चा डाल दिया और मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यार इन लोगों ने सुबह सुबह नाश्ते का रोला डाल दिया और मेरे पास पैसे नहीं है। और ये देखो, मैंने ऐसे व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी लेकिन अभी तो नहीं बन रहा, क्योंकि मुझसे ना मोबाइल जो आता है वो नहीं इस तरह पकड़ा जाता। लेकिन मैं इंशाल्लाह एक दिन आपको ऐसे भी व्लॉग बनाकर दिखाऊंगी, इतनी भी बात नहीं रहेगी। और यहाँ पर मेरा दिल से मेरे दिल ये चाह रहा था कि कोई एक बंदा ये बोल दे कि ना हमने नहीं जाना नाश्ता करने, क्योंकि बहुत गर्मी है यार। ये लोग एक तो उठे लेट थे उसके बाद, लेकिन फिर भी एक शॉप हमें पता है ना ऐसी जहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, तो जब इनका दिल करता है ना सारे मुँह उठा के उधर को चल पड़ता है, चल लेके सानू। मम्मा ने तो खैर अच्छी खासी क्लास लगाई, लेकिन ये लोग माने को तैयार नहीं थे, फिर इन लोग को लेकर चले गए। रिक्शे पर बैठे, अब आप लोग हैदर को देखो और आप लोग गर्मी देखो, गर्मी कितनी है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि सारे नाश्ता करने चले तो गए थे और मम्मा को मैं बार बार बोली जाती मेरे पास पैसे नहीं है। यार सच में मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास एक रुपया भी नहीं था, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं मान रहा था। मतलब इन लोगों को लगता है कि ना मेरे पास पैसे होते हैं, पता नहीं कहाँ से होते हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है होते हैं। और इन लोगों को जब लगता है होते हैं तो वो कभी कभी होते भी हैं, तो जो होते हैं वो फिर लग जाते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है। खैर यहाँ पर भटूरे जो थे ना, हम लोगों ने नाश्ता जो है भटूरों का करना था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह इनके शॉप पर सारा कुछ ही अवेलेबल होता है, माशाल्लाह से बर्गर गोलगप्पे शोलगप्पे। सुबह से आप 6 बजे भी जाके, जब मतलब दुकान खोलेंगे और आप जाके बोलोगे ना है तो वो बोले हाँ हाँ है, आ जाओ खा लो। मतलब मुझे इन पे बहुत ही गुस्सा है आज, लेकिन ठीक है यार वो एक अलग बात है। यहाँ पे हमारे भटूरे तैयार हो रहे थे और आप लोग देखो कि यार इतने अच्छे तरीके से, मतलब हर इंसान अपने काम में जो होता है वो माहिर होता है बेशक, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो तरीका है, मतलब इतनी गोल रोटी हमारे हाथों से तो नहीं बनती जितनी गोल रोटी या गोल भटूरा जो होता है यार ये लोग बनाते हैं। मतलब सीरियसली ऐसी फटाफट से घुमा के जब डालते हैं ना, वो एक अलग ही इनका स्टाइल होता है। ये जो हलवा पूड़ी वाले होते हैं, ये जो भटूरों वाले होते हैं, इनका जो अलग से स्टाइल होता है ना यार, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप लोग देखो, वो ना छोटा सा बच्चा खड़ा था, ठीक है हम उससे तो छोटा ही था भाई, मुझे छोटा सा बच्चा खड़ा था, और आप लोग देखो इतने अच्छे तरीके से हाथ पे हिला के, मैं हाथ पे रोटी मुझे तो नहीं बनानी आती, बल्कि हमारे घर में कोई भी हाथ पे रोटी नहीं बना, सारे चकने मिलने पर बनाते हैं, और वो हाथ से इतने प्यारे भटूरे, और इक्वल इक्वल ही से मोटा नहीं, कहीं से बरीक नहीं, और इतने प्यारे तरीके से उसने भटूरा बनाया ना, और जब उसने घुमा के डाला तो मैं मम्मा को मुँह देख रही थी, मैं बोल रही थी मम्मा हमसे अच्छा तो ये है जो ऐसे बनाता है। लेकिन ये है कि ठीक है वहाँ पर बेइज्जती ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मा ने कुछ नहीं कहा हमें। हमारे भटूरे तैयार हो गए थे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे भटूरे तैयार हो गए थे, ठीक है ना, और हमारे टेबल पे तकरीबन सारा कुछ पहुँच गया था, रायता साइलेट अचार और चने पहुँच चुके थे। और मेरे साथ जो दो फकीरियाँ गई थी ना, मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने मुझसे पहले ही टूट के पड़ जाना, तो मुझे तो भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। और मैं मम्मा को कह रही थी चलो चलो जल्दी जल्दी से वाले यार वो टूट के पड़ जाए इसको, फिर मैं रहना जो, क्योंकि यार एक भटूरों का नाश्ता एक अलग ही होता है, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। खैर अंदर जाती सबसे पहले मैंने बोला इधर मेरे भटूरे रखो, इधर चने रखो भी, मैं तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करूँ, और मैं तो बिस्मिल्लाह करके शुरू मैंने कर भी दिया। और जब मैंने खाना शुरू किया ना, तो खाना खाते खाते मैंने अचानक देखा कि मेरी बहन ना मुझे इंतहाई ना लेंज नज़रों से देख रही थी, और उसकी वो लेंज नज़रें इसलिए थी क्योंकि उसने भटूरे ऑर्डर नहीं थे, क्योंकि उसे बर्गर चाहिए था। और यार मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उस वो मैंने चला चलो सरसत का सी जुकात के नाम पे मैंने उसको बर्गर खिला दिया, और उसने मुझे उस जुकात में से उसने फिर मुझे भी खिलाया, लेकिन वो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने मुझे बर्गर खिलाया था, ठीक है ना। बर्गर शर्गर खा के फिर आखिर में हैदर से बोतल मांगने वाली चवल मेरी बहन ने मार दी, मैं तो बहन वहाँ पर रह गई। उसके बाद बारी आ गई कॉस्मेटिक की, और हाँ हर जगह मैं विंडो शॉपिंग करने नहीं जाती, समझ आइए। वहाँ पर हम लोग गए क्योंकि वहाँ से कुछ सामान वगैरह खरीदना था, सारों ने जिसने जो जो खरीदना था ना वो खरीदने लग गया, और फिर मेरे पास भाई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं थे, तो मैं तो भाई आराम से बैठ गई थी। उसके बाद आप हैदर को देखो, वो ऐसे बैठा होता है जैसे मानो वो पूरी शॉप माश उसकी है ना, तो उसको तो हमने कुछ कहा ही नहीं। लास्ट में भाभी इतनी चूड़ियाँ पहनी थी, उनको चूड़ियाँ दिलवाई, और इसी तरह मेरा व्लॉग खत्म हो गया। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहे और मुझे ज़्यादा सारा प्यार करते रहें।